$1.97. राइस टमाटर मिल रहे हैं, चाय पत्ती का इतना बड़ा बैग। इंडिया से दूर आए हुए होंगे, घर की याद आ रही होगी, तो मैगी ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। ये है 40 सेंट की। पनीर का जो पैकेट है 341 ग्राम्स का है। शक्कर का रेट है $4.17। छोटी वाली दिस इज फॉर 800 ग्राम्स, इट्स फॉर $15.27। हेलो हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। थोड़े दिनों पहले हमने एक कॉस्को टूर किया था जिसको आप सबने बहुत पसंद किया था। फिर हमें काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी जब लोगों ने हमें बताया कि सारे कॉस्को की मेंबरशिप नहीं अफोर्ड कर सकते, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं वो आते ही कॉस्को की मेंबरशिप नहीं लेते, तो सबसे पहले वो कहां जाते हैं? वॉलमार्ट। सो गाइज, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोग वॉलमार्ट का स्पेशल ग्रोसरी टूर लेके आए हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि अगर आप वॉलमार्ट पे ग्रोसरी खरीदते हो तो वो कितने की पड़ती है। सो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सारे प्राइजेस वॉलमार्ट के कि कौन सी चीज कितने की मिलती है, सो दैट उस हिसाब से आप अपना बजट बना लो एंड यू नो कि यार इसमें इतना खर्चा होने वाला है। एंड आपको मिलेंगे लेटेस्ट 2023 के प्राइसेस। एंड गाइज, हम लोग काफी लेट हो गए आने में, वॉलमार्ट जल्दी बंद भी होने वाला है, सो जल्दी अंदर चलते हैं ताकि वॉलमार्ट बंद ना हो जाए। बट हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जौन सी वीडियो आप हमें बोलोगे बनाने को स्पेशली आप लोगों के बनाएंगे, तो आज भी आप कमेंट करना मत भूलना। आप कमेंट्स में बताओ आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए सो दैट हम आपके हिसाब से वो वीडियो बना सके। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो मेरा नाम है फियांशु। मेरा नाम है कीरत। डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड आप वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। वैसे घर में क्या क्या नहीं पड़ा, क्या क्या खरीदना? सब कुछ है हमारे पास। वैसे सब कुछ है तो आप स्पेशली आज वीडियो बनाने आए हैं? यस, परफेक्ट। चलो चलें, वी आर आल्सो रिकॉर्डिंग वॉलमार्ट को। सबसे पहली चीज तो ग्रोसरी में होनी नहीं चाहिए, बट मैजिक मसाला की बात किए बिना हमारी ग्रोसरी कभी पूरी नहीं होती थी। इंडिया में तो ये 20 रुपए का मिलता है, यहाँ पे मिलता है $3.37 का। हम तो वैसे आजकल खाते नहीं है, बट आपको दिखा देते हैं कि कैसे डालते हैं कार्ट में। यही नहीं आता था हमारे सब्सक्राइबर को। एक्चुअली गाइस, कुकू को एक शॉट लेना था क्योंकि उसकी आंखों से मैच कर रहा है इसका कलर। Guys, I miss eating this. एक ले ले। चलो आगे। तो guys, यहाँ से ले लो आप पॉली बैग एंड हम सबसे पहले लेते हैं अपने फेवरेट केले। ये by the way वॉलमार्ट की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है, bananas. And these are for 68 cents per lb. नींबू है 97 cents का per lb, which means 450 ग्राम। So guys, आलू का बैग है एक 2.5 किलो का, ऑलमोस्ट $5। बट अगर आप जिम जाते हो तो पोटेटो मत खाना, स्वीट पोटेटो खाना जिसका रेट है $1.97। जब हम 1 पॉइंट बोलते हैं, वैसे तो इसको यहाँ पे 197 बोलते हैं, बट पॉइंट का मतलब है $1.97। प्याज जो है लाल वाले महंगे हैं, व्हाइट वाले सस्ते हैं। लाल वाले पर एलबी है 1.97 सेंट्स, व्हाइट वाले हैं 97 सेंट्स पर एलबी। गार्लिक आपका मिल जाएगा $5.27 पर एलबी। अदरक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हाउसहोल्ड्स, सो ये है $2.67। मशरूम का डब्बा लेते हो तो वो ऑलमोस्ट है $2.50 का, और अगर ऑर्गेनिक मशरूम लेते हो तो वो है $3 का, 250 ग्राम है ऑलमोस्ट। ये ब्रोकली है $4 की पर एलबी। सैलेड्स के लिए छोटी छोटी बेबी कैरेट्स लेते हैं, दिस इज फॉर $3 एंड इसका वेट है 450 ग्राम, मतलब आधा किलो लगा लो। और ये सैलेड्स वगैरह हम बहुत ज्यादा लेते हैं, कोल्सलो सैलेड है यहाँ पे, रेनबो सैलेड है यहाँ पे, ठीक है, इसी के अंदर सारी ड्रेसिंग होती है, सब कुछ होता है, और ये आपको $3.27 का पड़ेगा। ब्रसल्स स्प्राउट्स का पैकेट है $3.97 का, ये भी अच्छा है खाने के लिए, और गाइस ये तो हम खाते ही है। अगर आपको चिकन ब्रेस्ट लेनी है तो आपको ये $23 का ये पैकेट मिलेगा जिसका वेट है 1 किलो 400 ग्राम। और कॉस्को और यहाँ पे फर्क देखो कितना है, इसके दो पैकेट कॉस्को में मिलते हैं $7.50 का और यहाँ पे $5.50 का एक मिल रहा है। जो चीजें कॉस्को में $8 $7.50 की दो मिलती है, यहाँ पे एक मिलेगी $5.50 की। वॉलमार्ट में बिल्कुल जो 100% होल व्हीट ब्रेड है $1.97 एंड अगर थोड़ी सी फैंसी ब्रेड खाने का दिल है जैसे कि ये हनी एंड ओटमील, ये है $3.47। राइस टमाटर मिल रहे हैं $2.47 के। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, सो एक एलबी एप्पल का पड़ता है $2.50 का। गोभी का एक फूल मिल रहा है आपको $5 का ऑलमोस्ट, माई गॉड बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई है भाई। एंड अ गोभी अ डे कीप्स द किड्स अवे। इंडिया से दूर आए हुए होंगे, घर की याद आ रही होगी, तो मैगी ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। ये है 40 सेंट की और ये है $1.37 की गाइस। ये चावल का एक बैग है $18.47, काफी मैचिंग है मेरी आंखों से ये चावल का बैग, जस्ट किडिंग। एंड ये पूरा बैग है 4.5 किलो का। सेम वेरका की भी बासमती चावल है, सेम वेट बट जिसका $14 का रेट है, ऑलमोस्ट $4.50 कम। हम आजकल ये यूज कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी लगी, सो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चाय पत्ती का इतना बड़ा बैग इंडिया टी, इट्स फॉर $8.97 और इसमें है 216 टी बैग्स। सो शुगर का 7 किलो का पैकेट आपको मिलेगा
$13.77 में और ब्राउन शुगर का 4.5 किलो का पैकेट आपको मिलेगा $11.77 में। अब आप में से किसी सब्सक्राइबर के दिमाग में शायद ये भी आ रहा होगा कि फियांशु कीरत वही वाली चीजें दिखाओ जो तुम अपने कार्ट में डाल रहे हो। चलिए क्या है, अगर हम कार्ट में डालने वाली चीजें दिखाएंगे तो काफी सारी चीजें जो रही जाएंगी क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट डाइट पे, बट ये वीडियो हम स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुगर कंज्यूम करते होंगे, हम नहीं कर रहे। हमारे घर में चाय पत्ती आना बंद हो गया, हम ग्रीन टी पे सर्वाइव कर रहे हैं आजकल। बहुत सारे डाइटरी चेंजेस चल रहे हैं, आपको शायद दिख भी रहा होगा, इसलिए हम आपके लिए तो सारी वीडियो बना रहे हैं बट हम सारी चीजें नहीं डाल रहे। गुड्डे का इतना बड़ा पैकेट बिस्किट्स का है $7.77 का गाइस, और ये भी सेम प्राइस पे। एक बारी मैं अपने टारगेटेड वेट पे पहुंचूं सब खाऊंगा। ये मेरे फेवरेट है ब्लू वाले। और उसके आधे रेट पे आपको डबल टेस्टी चीज मिल रही है $3.77 की। मठिया होती थी ना गाइस, मटर होते थे जो, वो वाली चीज। केचप की एक ही बॉटल है 750 ml की $5.27। 1.6 लीटर्स का कॉर्न ऑयल आपको मिल रहा है $8.9 का। बट गाइज मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि कोकोनट ऑयल भी खाना शुरू करो, ये आपकी स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। ये $4 का है, इसका वेट है 425 ml। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मैं बताया तो विनेगर की बॉटल है 1.77 cents की। स्पेशली स्टूडेंट्स को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार विनेगर का क्या लेन देना। बेटा जब बार बार पनीर खाओगे और पनीर बहुत महंगा होगा और पनीर इतना टेस्टी नहीं होगा, फिर तुम्हारी मम्मा कहेंगे बेटा घर पे पनीर बना लो, तुम दूध लेके आओगे उसके लिए तुम्हें विनेगर चाहिए होगा पनीर बनाने के लिए। $1.77। फिर जितने भी नए लोग आएंगे वो पैसे बचाएंगे, बाहर से पिज्जा कम खाएंगे, घर पे बनाएंगे। घर पे बनाओगे तो तुम्हें इटालियन सीजनिंग जरूर चाहिए होगी। ये $3 for $6 है, मतलब तीन चीजें उठा सकते हो $6 में, तो दो की एक पड़ी। आप ये उठा सकते हो, ओरिगैनो लीव्स उठा सकते हो, इटालियन सीजनिंग उठा सकते हो, अनियन पाउडर तो चलो खाना बनाने को, चिली पाउडर उठा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें होंगी। एवरेजली एक पैकेट $2 का है। इसी तो आपको काफी हेल्दी चीजें दिखा रहा है, मैं आपको दिखा दी थोड़ी चटपटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स, चटपटे तो नहीं है बट हाँ गुड फॉर स्नैकिंग। गाइस अगर आपको फिश भी चटपटी दिखा रहा था तो ये इतनी ढीली ना होती है। आपको अगर कॉमेंट करके बताना अगर आपको लग रहा है कुकू ज्यादा फिट हुई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी दोस्तों। That's true. एकदम से drastic change कर दिया हमने इंडिया से आके। So ये सारे हैं $3 for $7. हमने तीन डब्बे उठाओ and अलग अलग flavors के for $7. वापस रख देते हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं क्योंकि दोस्तों अलाउड ही नहीं है। इलायची वाली चाय पीने का दिल करेगा आपको, ये इलायची का वेरका का पैकेट है $6.97। यहाँ पे सारे मसाले मिल जाएंगे आपको, मैंने पहली बार देखा है टाटा का भी मसाले आने लग गया, वाह क्या बात है। गाइस कंपैरिजन में पता लगा टाटा के सस्ते हैं। टाटा का है $1.97 का ये छोले मसाला, और यही छोले मसाला है $2.27 का। शक्कर के बिना कुकू जी नहीं सकती, शक्कर के तो ये। I love, 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 शक्कर दो। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा गाइस, अगर आपको चाय पीनी है तो चीनी की जगह थोड़ी थोड़ी शक्कर डालना शुरू कर लो, दैट इज ऑल्सो नाइस। शक्कर का रेट है $4.17। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम आपको एक हफ्ते की ग्रोसरीज का रेट बताएं। काफी सारी चीजें हैं जो एक क्वांटिटी में मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल शक्कर इससे छोटे पैकेट में मिलती ही नहीं है, तो ये एक हफ्ते का बताना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मसाले हैं, कोई भी आप मसाला लोगे वो एक हफ्ते में थोड़ी खत्म होगा, तो ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जिन लोगों को कुकिंग करके आती होगी वो तो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जिनको नहीं आती होगी वो किसी अपनी मम्मा सिस्टर पापा जिनको भी कुकिंग आती होगी उनसे पूछ लेना। जब मैं नया नया कनाडा आया था तो मेरे को गोलगप्पों की बड़ी याद आती थी, ठीक है, और बाहर से गोलगप्पे मिलते थे $15, $12 ऐसे वाले। ये पूरा डब्बा लेके जा सकते हो, यहाँ पे पानी आता है $4 तक का, वो ले लेना, घर पे आलू उबालना और खाना, मस्त बनते अनलिमिटेड गोलगप्पे। हल्दीराम की भेलपुरी $1.87 की है बस। इंडिया का कोकोनट वाटर भूल जाओ, जो फ्रेश फ्रेश आपको मिलते होते हैं ना ऐसे रोड साइड, इस पे आ जाओ। कैन वाले, दिस इज फॉर $2.17। कमेंट करके बताना किस किस का ये फेवरेट बिस्किट था मेरे साथ साथ। जिम एंड जैम मिलता है यहाँ पे $1.17 का। गार्लिक पेस्ट $800 $4.50 ऑलमोस्ट। अचार के बिना कैसे आपकी जिंदगी चलेगी, तो जितने भी लोग हैं जिनको घर से अचार लाने को मम्मा प्रेशराइज करे तो घर से लाने की जरूरत है, यहाँ मिलता है $3.50 का ऑलमोस्ट। लाइम वाला भी है और ग्रीन चिली भी है, पंजाबी मैंगो पिकल भी है। रोबजा की बॉटल्स तो गाइस मैंने इतनी खरीदी है स्टार्टिंग में, $6 की है, बट ये तो मतलब इट वाज अ लाइफ सेवर। सो हैप्पी फिश भी यहाँ पे अवेलेबल है ऑलमोस्ट $3 की। देखो ये देसी घी की पैकेजिंग आती है यहाँ पे वॉलमार्ट में, छोटी वाली, दिस इज फॉर 800 grams, इट्स फॉर $15.27। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि वॉलमार्ट में बहुत सारी दालें भी मिलती हैं, सो स्पाइसेस दालें सब यहाँ पे मिलते हैं, एंड उनका प्राइस क्या है अभी बताते हैं। ब्लैक चने का ये बिग पैकेट 3.5 किलो का है $9.27 का। ये मूंग दाल है ऑलमोस्ट 2 किलो की $7 की। दोस्तों हम लास्ट है वॉलमार्ट में आपके लिए वीडियो बनाने आए हुए हैं। उड़द की दाल 1 किलो 800 ग्राम की है $8 की।
फिशी और मेरी फेवरेट काली दाल. दिस इज 3.5 किलो की पैकेजिंग एंड इट इज फॉर $13.27. राजमा का 3.5 किलो का पैकेट है $10 का. यहाँ पे मेंदू वड़ा मेरी मम्मा का फेवरेट $1.77 का. टूर दाल $8.17. ये सब कुछ ऐसा है जो आप एक बार ही लेके जाओगे बट आई थिंक इजीली आपके मंथ्स चल जाएंगी. इडली मेकर या तो इंडिया से ले आना या तो यहाँ से खरीदना. बहुत इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है. $3 का आपको पूरा एमटीआई का पैकेट मिलेगा. मसूर दाल बहुत हेल्दी होती है खानी. दिस इज ऑल्सो फॉर $6. सो गाइज हम ये वाला आटा यूज करते हैं बिकॉज मेरी आंटी इसी आटे से बनाते होते थे और मुझे उनकी रोटियाँ बहुत अच्छी लगती थी. ये ऑलमोस्ट 9 किलो की पैकेजिंग है एंड इट इज फॉर $17.67. आशीर्वाद का आटा मिल रहा है $17.97. कोक का गाइज छोटा सा पैकेट छोटी कोक के लिए ये है $3.77 का. यहाँ पे आइसक्रीम जितनी भी मीठे की चीजें इतनी सस्ती मिलती है ना गाइज. वो टिमोटन्स की भी वो आने लगी है आइसक्रीम. डबल डबल गैस टिम हॉर्टन्स की आइसक्रीम है. कितने की? $6.47 की. काफी महंगी है यार ये. ये भी आइसक्रीम देखो कितनी मस्त है. सस्ती सी. जो फुल फैट का दूध का कार्टन है फॉर 4 लीटर्स इट्स फॉर $6.09. पनीर भी गैस इसी से बनेगा तगड़ा. मोस्टली लोग 2% वाला दूध लेते हैं. इससे भी आपका पनीर बन जाएगा. और ये है $5.70 का. जीरो फैट वाला जो दूध है वो भी है $5.70 का. और गैस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर फुल फैट है तो महंगा है, कम फैट है तो सस्ता है. पनीर का जो पैकेट है 341 ग्राम्स का है $5.50 का. हम पर्सनली यूज करते हैं सोया मिल्क जो है $3.77 का. ये ऑलमोस्ट 2 लीटर का है. 1.9 लीटर टू बी प्रिसाइज. आई लव दिस जूस. ये बड़े जूस की पैकेजिंग है एंड इट्स फॉर $6.78. चॉप्ड गाइस फ्रूट्स मिला आपको. कीवी मिलेगा, पाइनएप्पल मिलेगा, स्ट्रॉबेरीज होंगी, बेरीज होंगी. सारी $5 का एक पैकेट है. हम लोग तो बहुत ज्यादा यूज करते थे ये सब. आप लोगों ने देखा होगा जब मैं स्मूदीज वगैरह बनाता था. बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, सब कुछ अंदर ही है. एंड देन यू कैन मेक इजी स्मूदीज. अगर आप नए नए कनाडा में आओगे तो आपको मोशी बड़ा अच्छा लगेगा. और जितने लोग ऑलरेडी रह रहे कनाडा में अगर आपने नहीं ट्राई किया तो मोशी जरूर ट्राई करना. $5 का डब्बा होता है पर बहुत टेस्टी है. 12 ब्राउन एग्स पड़ेंगे $5.14 के. और ओमेगा 3 रिच एग्स मिलेंगे आपको $7 के. गाइज जो बिल्कुल नॉर्मल एग्स हैं वो आपको मिलेंगे $3.88 के. गाइस जब आप नए नए आते हो ना तो आपका इतना ये मीठा खाने का दिल करता है ना. जब पुराने भी हो जाते हैं तब भी बहुत खाने का दिल करता है. वॉलमार्ट के ये छोटे छोटे केक्स हैं, $5 का एक है. यहाँ पे आज आपको सेल्फ चेकआउट बताएंगे कैसे होता है. जैसे आपने केले लिए हैं आपको यहाँ पे उसका कोड लिखा होगा. इसका कोड है 4011. तो आपको ऐसे कोड डालना है. सो हमारे केले आए हैं $1.86 के. पे करेंगे इस पर. बेसिकली हर चीज़ का कोड नहीं डालना होता. अगर कोई आपने कोई जैसे बिस्किट्स लिए, कुकीज लिए तो वो तो डायरेक्टली स्कैन हो जाती हैं. बट जो फूड आइटम्स होती है उसका कोड डालना पड़ता है आपको. सो गाइज वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. केले हम गाड़ी में रख चुके हैं. आप कहोगे केले खा तो नहीं लिए. नहीं खाए नहीं अभी तक, गाड़ी में रख लिए गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना. यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.